हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज अमित एंड यू वाचिंग गिटार अड्डा चैनल। इस चैनल के सारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए करो इस चैनल को सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन को, और साथ में वीडियो के स्टार्टिंग में कर दो वीडियो को लाइक। सो आज का जो टॉपिक है ये वो टॉपिक है जिस पे सबसे ज़्यादा मेरे को रिक्वेस्ट आती है कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम मैसेजेस में। सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी टॉपिक पे रिक्वेस्ट आती है सो वो है ये साउंड। सो सब ये पूछते हैं जो आप वीडियो के कवर्स में ये जो साउंड आप इफ़ेक्ट जो आप क्रिएट करते हो ये कैसे करते हैं। सो ये अच्छी भी लगती है सुनने में। सो ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर आप बिगनर हैं, मैं आज यही चीज़ पे आपको आज का लेसन है, यही चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। वैसे बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको बता दूँ अगर नहीं पता है तो। हम इसमें करते हैं यूज़ सिर्फ इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर सिर्फ हमने यूज़ करनी है स्लाइडिंग इफ़ेक्ट के लिए, ठीक है। ये जो स्लाइड हम करते हैं, ठीक है, जो हम ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसके लिए सिर्फ हमारी इंडेक्स फिंगर यूज़ होगी। और यहाँ से कोई स्ट्रमिंग कुछ नहीं है, सिर्फ आप ये टॉप स्ट्रिंग आपने जो है ई स्ट्रिंग ये आपने प्ले करनी होती है। रेस्ट ये आपने बाकी फिंगर्स रख देनी है 5 4 3 2 1 पे, जो कि करेंगी बाकी स्ट्रिंग्स को म्यूट। इन केस अगर आपकी स्ट्रिंग, अगर आप ऐसे हाथ स्ट्राइक करते हैं, अगर आपकी नीचे वाली स्ट्रिंग पे भी स्ट्रोक लग रही है तो नीचे वाली स्ट्रिंग क्या करेंगी, साउंड क्रिएट करेंगे। तो उसको म्यूट रखने के लिए ये बाकी साउंड्स को सिर्फ टॉप वाली स्ट्रिंग की आवाज़ आएगी, ठीक है, और बाकी किसी स्ट्रिंग की आवाज़ नहीं आ रही। तो हमने क्या करना है, इंडेक्स फिंगर से हमने प्ले करना है, मतलब आपको इससे दबाना है कोई भी फ्रेट पे। आप फ्रेट ले सकते हैं गाइस 10 से लेके, ये आपका 7 आ गया, ठीक है, 7 8 9 9 से लेके आप 11 या 12 तक ले सकते हैं। देखो ये क्लासिकल गिटार है तो इसमें मेरे को हार्डली मैं 9 से 11 ले सकता हूँ। अगर आपके पास एकोस्टिक गिटार है तो उसमें आप 10 से 12 13 बट 10 से 9 से 12 तक ही रखो, उसमें ज़्यादा अच्छी साउंड आती है। सो इसमें मैं रखूँगा 9 to 11 या 12, सेम चीज़ आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है, क्या करना है, आपने ज़ोर से स्ट्राइक करना है आपने आपकी 6th वाली जो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग है इस पर आपने स्ट्राइक करना है। और मैं इसमें पकड़ रहा हूँ 7 8 9 से, ठीक है, 9 या 10 से आप पकड़ लो। तो इस पर आपने क्या करना है, जैसे आप ये स्ट्राइक, ठीक है, ये साउंड आएगी, सो ये वो साउंड है जो आपको अच्छी लगती है सुनने में। और मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये सुनी थी तो मैंने भी इसकी मतलब मुझे भी अच्छा लगा था, तो मैंने भी किसी से सीखी थी, तो बहुत अच्छी साउंड ये क्रिएट करता है। आप साउंड के बीच बीच में प्ले कर सकते हो, सुनने वाले को अच्छा लगता है। तो क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया ये 5 स्ट्रिंग्स आपको रखनी है म्यूट, और सिर्फ आपने को 6 स्ट्रिंग पे स्ट्रोक करना है। सो ये आपने करना है, आप और किसी फिंगर से कर सकते हो, और किसी फिंगर से भी कर लो तो बाकी, बट ये होता है कि आपकी बाकी फिंगर से आपको म्यूट करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो आपने क्या पता ये साउंड ना आ जाए बीच में, ठीक है। तो आप इंडेक्स फिंगर रख लो, क्योंकि हम हाथ थोड़ा सा टेढ़ा रख सकते हैं इसमें, ठीक है, थोड़ा सा हाथ टेढ़ा रख सकते हैं, मिडल के लिए आपको हाथ सीधा रखना पड़ेगा, तो इसमें आप थोड़ा टेढ़ा रख, ठीक है। अब आप स्ट्रमिंग में प्ले करो, ठीक है, ये इससे जितना आप क्रिएटिव करना चाहो अपने से आप कर सकते हो। बाकी तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप उससे पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टा आईडी साइड पे आपको शो हो रही होगी तो आप इंस्टा आईडी पे डायरेक्ट मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेसन जल्दी लेके आता रहूँगा, तब के लिए धन्यवाद।